हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मंडियाल। आज हम अपना पीसी बिल्ड करने वाले हैं। अब मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा 4K एडिटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, लेकिन उसे असेंबल कैसे किया जाता है वो आज हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि ये मेरा सिस्टम मैंने पूरा खोल दिया है आज, और मैं इसे अब असेंबल करने वाला हूँ। क्रेट गेमिंग का ये मदरबोर्ड है X370 क्रेट गेमिंग का। MSI का ये मदरबोर्ड है, और ये AM4 सॉकेट है जो कि Ryzen सपोर्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे खोलूँ, ये है आपका मेन CPU, ये Ryzen 7 है, 8-core प्रोसेसर ये है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये AM4 सॉकेट है, ये पिंस जो होती हैं ये उस हिसाब से लगता है। अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर है वो भी सेम ही होता है इस तरह से, उसमें पिंस होती हैं, लेकिन वो इस सॉकेट पे नहीं लगेगा क्योंकि ये AM4 सॉकेट है जो कि Ryzen को सपोर्ट करती है। तो इसे लगाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे चार यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी एक एरो बना होता है। इसका एरो यहाँ पे है और ये इसका एरो यहाँ पे है, तो आपको इसे ऐसे अलाइन करना है। जस्ट इसके ऊपर आप इसे ध्यान से रख दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे ध्यान से रख दो, ये अपने आप अंदर चला जाएगा। एक्चुअली मेरे प्रोसेसर आपका ऐसा नहीं होता है, इसके ऊपर ये सिंक पेस्ट होता है, थर्मल पेस्ट होता है ये, इससे आपका प्रोसेसर ठंडा रहता है। तो इसके ऊपर वो लगाया हुआ है, ये पेस्ट आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी कंप्यूटर शॉप में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये रख दिया और मैं इसे ऐसे क्लोज कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि ये सेट हो जाएगा। ये रैम स्लॉट्स हैं, DDR4 बूस्ट रैम है इसमें, आप इसको बूस्ट कर सकते हो इसकी रैम को, और ये 64GB तक सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये है हमारे ग्राफिक कार्ड के लिए, दो ग्राफिक कार्ड मैं इसमें लगा सकता हूँ। ये है M2 स्लॉट जहाँ पे हम लोग अपनी SSD लगाएंगे, और M2 SSD होती है इतनी छोटी सी, ये है आपकी M2 SSD, और ये डायरेक्ट चिप लगती है जो यहाँ पे लग जाएगी डायरेक्टली। ये ज़्यादा फास्ट होती है हमारी दूसरी हार्ड डिस्क ड्राइव से, इनका साइज देख के आप देख सकते हो, इसे चलाने के लिए ज़्यादा पावर लगती है, और इसके अंदर एक डिस्क होती है जो ये मूव करता है, और SSD में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये 512GB की ट्रांजेंट की SSD है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बने होते हैं इसके लिए पोर्ट, उस हिसाब से आपको लगाना है। यहाँ पे जो एक कट है वो यहाँ पे भी है, तो मुझे इस तरह से इसे लगाना है। लगाने के लिए मैं इसे सिर्फ ऐसे, और ये इसे लग जाएगा। तो अब देखो, ये है हमारा मदरबोर्ड जिसमें मैंने प्रोसेसर लगा दिया और एक M2 SSD लगा दी। ये आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी SSD हार्ड डिस्क ड्राइव वो लगा सकते हो, या आप बाद में खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह आप देख सकते हो, ये है हमारे SATA कनेक्टर्स जहाँ से ये हार्ड डिस्क लगती है। ये है हमारी SSD, ये दूसरी SSD होती है जो SATA SSD से हम कहते हैं, तो ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये 240GB की SSD है SanDisk की SSD+, और ये है हार्ड ड्राइव Barracuda Seagate की 1TB हार्ड ड्राइव है, और ये ज़्यादा फास्ट होती हैं इन दूसरी बड़ी हार्ड ड्राइव से। ये आपको सस्ता पड़ेगा, ये थोड़ा सा महंगा है, बट इसे स्पीड अच्छा मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप बहुत सारे कनेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपना पावर सोर्स, यहाँ पे पावर सोर्स लगता है, और यहाँ पे भी, इससे हमारे मदरबोर्ड को पावर मिलती है। आपने कभी सोचा है कि आपका डेट और टाइम कौन याद रखता है? तो वो ये बैटरी याद रखती है। इस बैटरी को अगर आप यहाँ से खोल के इसको फिर से लगाओगे तो वो रिसेट हो जाएंगे CMOS। यहाँ पे ये है इसका बैक पोर्ट जो हमारे CPU में होता है, USB पोर्ट सी टाइप भी इसमें है, 1, 2, 3, 4, 5 USB पोर्ट्स हैं। ये HDMI पोर्ट है, DVI पोर्ट इसमें है, ये हमारे गेमिंग जो लगता है गेमिंग कंसोल के लिए, और ये जो पुराने माउस और कीबोर्ड होते थे उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। और USB यहाँ पे दो दे रखे, USB माउस, USB कीबोर्ड के लिए। ये हमारे ऑडियो माइक, और ये जो हमारे कनेक्टर्स होते हैं वो हैं। ये है चिपसेट, इसे कहते हैं चिपसेट, और यहाँ पे इसमें ऑडियो बूस्ट भी है, इस वाले मदरबोर्ड में ऑडियो बूस्ट भी, आपको बहुत ही अच्छा साउंड ये देगा। वैसे तो हमें इसे पहले कैबिनेट में लगाना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है मेरा ग्राफिक कार्ड, NVIDIA का 1070 Ti ग्राफिक कार्ड है, 8GB इसकी मेमोरी है। और आप देखो, इसे लगाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे भी कनेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे ये कट दिया रखा है, उस तरह से कट यहाँ पे दे रखे होते हैं आपके मदरबोर्ड पे। तो आपको इसको लगाने के लिए बस इस कट पे इसे रखना है,
मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि मैं इस कट पे इसे इस तरह से रख रहा हूं। तो जैसे ही मैं इस पे रखता हूं तो ये अपने आप ऐसे सेट हो जाता है। इस तरह से ग्राफिक कार्ड हमारा लग जाता है मदरबोर्ड पे। ये है हमारी रैम, 1000 जी स्किल की ये रैम है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। ये 8 जीबी की 2 रैम्स हैं मेरे पास। आप देख सकते हो यहाँ पे 4 स्लॉट हैं लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 रैम्स हैं। तो मुझे ये नहीं करना है कि मैं पहले 2 स्लॉट्स में लगा दूंगा, उससे क्या होता है, अब इसमें डबल पेयरिंग होती है। आप देख सकते हो ये दोनों वाइट हैं और ये दोनों ब्लैक हैं। तो इसमें अगर मैं इन दोनों को लगाना चाहूँ तो मुझे या तो इन्हें ब्लैक ब्लैक पे लगाना पड़ेगा या इन्हें वाइट वाइट पे लगाना पड़ेगा। इसका जो कनेक्शंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इसलिए ये कलर अलग अलग दिए रखे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कट दे रखा है और यहाँ पे भी ये कट होता है। तो आपको बस वो देखना है कि ये किस तरह से लगेगा, इस तरफ नहीं है, इस तरफ से लगेगा। और ऐसे दबाएंगे जब, तो आप देख सकते हो ये दोनों लॉक अपने आप लॉक हो जाते हैं। रैम को खोलने के लिए भी इन दोनों लॉक पर आप ऐसे अगर प्रेस करेंगे तो रैम ऊपर आ जाएगा और आप उसे आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। कई बार होता है कि आपका रैम नहीं चल रहा होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, सबसे आसान तरीका है, कंप्यूटर वाले बहुत कम आ रहे हैं, रैम को निकालो, उसे साफ करो किसी ब्रश या कपड़े से या रबड़ जो होता है स्कूल वाला उससे इसे साफ करो और ऐसे फूंक मार के इस पर रख दो। कई बार होता है कि आपकी डस्ट बैठ जाती है इन पर तो ये काम करना बंद कर देती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। इस तरह से आप रैम लगा दो। देखो पावर सोर्स क्यों ज़रूरी है, पावर सोर्स के अंदर ये सारे कनेक्टर्स होते हैं। अब आप बोलो ये क्या है इतना सारा जंजाल, ठीक है तो ये बहुत इजी है। देखो ये जो है ये बहुत सारे बड़े बड़े कनेक्टर्स जो हैं, तो ये जो कनेक्टर है आप देख सकते हो ये यहाँ पे लगेगा। अब ये पिंस के ऊपर डिपेंड होता है, ये 16 पिंस है और ये भी यहाँ पे 16 पिंस है, तो मैं इस पे इसे ऐसे लगाऊंगा। तो ये स्लॉट्स पहले से बने ही होते हैं आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो अब बस उसे यहाँ पे लगा दो। ये मदरबोर्ड का यहाँ से जाता है। अब आते हैं हम लोग ग्राफिक कार्ड के लिए। तो इसमें देखो जैसे 2 पोर्ट हैं दिए हुए, तो आप जैसे 2 ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा ग्राफिक कार्ड है, इसके अंदर यहाँ पे देखो ये स्लॉट है, तो आपको इसके अंदर इसे लगाना है, तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हो। बाकी ये जो बचे ये होते हैं हमारे साटा कनेक्टर्स, जो हमारी साटा हार्ड ड्राइव्स हैं उसके अंदर आप देख सकते हो ये 2 पॉइंट होते हैं, ये है साटा पावर के लिए। अब इसमें देखो इसमें जो ये कट लगा है उस हिसाब से आपका इस कट में ये जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा एक हार्ड डिस्क कनेक्ट हो गया है, उसी तरह से मैं दूसरा हार्ड डिस्क यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। साटा कनेक्टर्स में सारी हार्ड डिस्क ऐसे ही होती हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हम लोग 6 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, इस तरह से 6 हार्ड ड्राइव को आप पावर दे सकते हैं। जैसे कि अभी देखो ये साटा पावर के लिए है और ये आता है हमारा साटा केबल, ये हमारा कनेक्ट करता है हमारी हार्ड ड्राइव को हमारे मदरबोर्ड से। तो ये इस तरह से यहाँ पे लगेगी और यहाँ पे ये इस जगह पे लगेगी। अब देखो कट और आप यहाँ पे सिर्फ इसे लगा दो। तो इस तरह से आपका हार्ड ड्राइव कनेक्ट होता है हमारे मदरबोर्ड से। तो अभी मेन चीज़ हम लोगों ने सब कुछ कर लिया और यहाँ पे मेरे पास ये लिक्विड कूलर है, ये लिक्विड कूलर है, ये लगेगा हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। तो मैं इसे अभी लगाऊंगा जब मैं इसे कैबिनेट में डाल देता हूँ। तो गाइस चलो इसे इंस्टॉल करते हैं अभी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा असेंबली। तो ये है मेरा कैबिनेट, इसे सीपीयू नहीं कहते, इसे कैबिनेट कहते हैं। ये देखो अभी मैंने चारों तरफ से इसे खोला हुआ है। तो ये कूलर मास्टर का है, बाकी स्टिकर्स मैंने बाद में लगाए हैं। जो भी आप सामान लेते हो उसके यहाँ स्टिकर्स फ्री मिलते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो इसके अंदर भी कई वायर्स हैं। तो ये वायर्स जो हैं वो हैं इनके लिए, जो आपका फ्रंट पैनल होता है, और ये पावर बटन है, रीसेट बटन है, और ये यहाँ पे USB माउंट्स हैं माइक और हेडफोन के लिए जो होता है फ्रंट माउंट, ये उसके लिए होते हैं। तो ये होते हैं कनेक्ट हमारे मदरबोर्ड से। इन सबको हम लोग कनेक्ट करेंगे। पहले हम लोग तो मदरबोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए आप देख सकते हो, अब आपको रखना कैसे है, रखने के लिए आपको चेक करना है कि उसका बैक साइड कौन सा है, ये जो कि निकलेगा यहाँ से बाहर। इसके बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ से ये बाहर निकलेंगे, तो ये है आपका बैक साइड। तो उस हिसाब से आपको इसे रखना है। सारे नट बोल्ट के जो एरिया है वो कवर हो जाना चाहिए। अब हमारे नट बोल्ट जो हैं वो हम लगाते हैं। ओके,
इसको लगाने के बाद अब आप देख सकते हो मेरे पास हैं ये कनेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बहुत सारे कनेक्टर्स यहाँ पे हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आपके पास है हमारे मदरबोर्ड का गाइड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसे खोल के, तो देखो इसमें सब कुछ एक एक चीज़ दे रखी होती है। ये देखो, तो ये वाले अभी हमें लगाने हैं। दूसरी मेन चीज़ जो हमें करनी है वो है पावर। अगर आप इतने सारे वायर्स हो आपके पास तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा संभल के इन्हें लगाना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये पावर लगेगा इस तरह से। देखो अभी ये फैन आपको नीचे की तरफ रखना है, इसको ऊपर की तरफ नहीं रखना है, इस फैन को नीचे की तरफ रखना है। तो ये इस तरह से लगेगा। सबसे पहले आप क्या करो कि इन वायर्स को ऐसे पकड़ो, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक होल होता है, इधर से इसे बाहर निकालो। देखो मैंने इस होल से सारी वायर्स को बाहर निकाल दिया है, और अब इसे बस यहाँ पे रखना है। तो अब देखो ये जो पावर का बटन है ये बाहर की तरफ होना चाहिए, इस जगह पे ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पावर सोर्स इंस्टॉल करते हो। अब इस वायर्स को क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है, आपको इनको अंदर की तरफ डालना है। आपकी वायर्स अभी अंदर आ गई हैं सारी की सारी। कूलिंग सिस्टम इस पे लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से खुला हुआ है। तो ये है मेरा कूलर मास्टर। बस इसे लगाने के लिए आपको बस इसे इसके ऊपर रखना है। तो जैसे कि ये इसका थर्मल पेस्ट है यहाँ पे, वो इसके ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये ज़रूरी होता है वैसे, क्योंकि इससे ठंडा रहता है आपका सीपीयू, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आपका सेम लॉक हो, ये अलग अलग हो सकते हैं। इसका लॉक ऐसा है तो ये इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएंगे हर एक चीज़ के, जो भी आप ख़रीदते हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं इन्हें लगाना कैसे है। अभी मैं इसे टाइट कर देता हूँ। सीपीयू हमेशा ठंडा रहना चाहिए। अगर ये गर्म होता है, छोटा सा चिप होता है, अगर ये गर्म हो जाएगा तो ये ख़राब हो सकता है। इसे लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी जगह है, जिसकी मैं इसे यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस पर अपना फ़ैन इंस्टॉल करूँगा। ये है इसका फ़ैन, जिसको मैंने साफ़ नहीं किया है। तो पहले मैं इसे साफ़ करके आता हूँ, ये बहुत गंदा हो चुका है। जब तक मैं इसे साफ़ करके आता हूँ तब तक आप लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। 1 hour and 30 minutes later फाइनली मैं इसे साफ़ करके लाया हूँ। तो अब आपको क्या करना है, देखो इस तरफ से इसे लगाना है, वायर अंदर की तरफ रखना है क्योंकि यहाँ से हवा ठंडी अंदर आती है। ये जो पहले लगा है ये फिल्टर है, ये फ़ैन है जो इसे ठंडा करेगा। यहाँ से ठंडी हवा इसमें जाएगी और ये इसे ठंडा करता रहेगा, सिस्टम को मेरे कूल करता रहेगा। अब इसका कनेक्टर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे इसे लगाना है, सीधा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उस पर रखो और इसे दबा दो, आराम से ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये जो इसका कूलर जो है इसको लगाने के लिए भी यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे है। गेमिंग सिस्टम में ये कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, गेमिंग क्या नॉर्मल में भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल में थोड़ी कम होते हैं। गेमिंग में आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शंस मिल जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा सकते हो। चलो इसे भी इंस्टॉल कर ही लेता हूँ। ये है मेन पावर। ये दो केबल जो थी वो इस मदरबोर्ड के साथ ही मुझे मिली थी, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव लगाई है तो मैंने ये केबल ख़रीदा है बाज़ार से। ये आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, साटा केबल, आप जाओगे बोलने की साटा केबल चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा। अब इंस्टॉल करते हैं हमारा ग्राफिक कार्ड। मैंने इसे साफ किया है अभी थोड़ा नया लग रहा है। देखो अब दो ग्राफिक कार्ड जब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, दो ग्राफिक कार्ड का स्लॉट्स है मेरे पास, तो उन्हें आपस में मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसे ऐसे खोलूँ तो ये SLI कनेक्टर्स होते हैं। सेम कनेक्टर होगा हमारे दूसरे ग्राफिक कार्ड में, यहाँ पे एक वायर लगता है वो इसे और उसे जोड़ देता है, उसे हम SLI ब्रिज कहते हैं। वो ब्रिज कर देता है और दोनों के यूज़ हम लोग कर सकते हैं एक साथ। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको देखना है ये कट, और ये इस तरफ को लगेगा, और ये देखो यहाँ पे स्लॉट्स हैं इसको लगाने के, ये
ये है इसका बैक पोर्ट जो यहाँ से बाहर निकलेगा, इसलिए वो हमें खोलने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं HDMI लगाता हूँ ग्राफिक कार्ड से, और इसमें और भी ऑप्शंस हैं, DVI भी है। इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कैसे इंस्टॉल करना है पहले ही। नट बोल्ट लगा देते हैं ताकि ये हिले ना। ये है इसका पावर, ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो गया। अब रही है हमारी सिर्फ हार्ड ड्राइव्स और रैम। तो पहले मैं हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा बड़ा हार्ड ड्राइव है जो नॉर्मली होता है सबके पास, ये डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव ऐसा ही होता है, सस्ता मिल जाता है और अच्छा भी है। आपके स्टोरेज के लिए आप इसे यूज़ करो, बहुत सस्ता भी मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे इन सब चीज़ों के, आप आराम से देख सकते हो, ये बहुत सस्ता होता है। तो इसे लगाने के लिए हमें इस तरह से लगाना है कि ये जो इसके पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे बाहर की तरफ आए, जिसमें मैं इसे यहाँ पे लगा दूंगा। तो पहले मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। आप इन्हें पहले भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि मेरा ये फ्रंट पैनल है, इसे मैं खोल सकता हूँ। आपका हो सकता है कि ये बिल्कुल स्टिच्ड हो, तो प्लीज़ ऐसे ना खोलें, पहले देख लें कि आपका सिस्टम कैसा है। तो इसमें मैं ऐसे खोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स लगा सकता हूँ। तो इसे लगाने के लिए मैं सिर्फ इसे इधर रखता हूँ और इस तरह से यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ऐसे हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल होती है। और अब देखो, इसे कनेक्ट करने के लिए ये मेरा पावर और ये है मेरी साटा केबल। तो इसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल हो गया। तो अभी तकरीबन सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ही दी हैं, बस एक रैम रहता है। अभी रैम लगाएंगे हम, रैम सबसे आसान होता है लगाना। मैं बाकी भी इंस्टॉल कर लेता हूँ हार्ड ड्राइव्स। सब कुछ कनेक्ट हो चुका है, अभी अब मैं रैम इंस्टॉल करता हूँ। रैम इंस्टॉल करने मैंने आपको बताया था कैसे इंस्टॉल करना है, इन ब्लैक पे मैं करूँगा, क्योंकि इसका मेरा जो पोर्ट है वो ब्लैक से स्टार्ट होता है। बहुत सारी वायर्स दिख रही हैं, मुझे नहीं दिखनी है भाई। तो ये होता है इसका कैबिनेट का बॉक्स। इस तरफ से जाली दे रखी है ताकि इसमें हवा जाती रहे। यहाँ पे इसे ऐसे दबाना है, इस तरह से इसे सेट करना है। और बैक में इसके नट्स होते हैं, तो सिस्टम इस तरह से रेडी हो जाता है। अब देखते हैं इसे ऑन करके। तो अब देखो, ये मेरा सिस्टम ऑन हो चुका है। इसमें काफ़ी सारी लाइटिंग है, ये देखो अभी ये लाइट जल रही है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो। तो ये तो सिस्टम का अपना कंपोनेंट्स हैं जो ऑन होते हैं। सिस्टम अप एंड रनिंग है। अगर आपका सिस्टम भी स्लो हो गया है तो उसे खोलो, उसे साफ़ करो, उसकी धूल वूल सब कुछ साफ़ करो, और उसके बाद उसे स्टार्ट करो। कुछ हद तक तो आपका स्पीड बढ़ ही जाएगा, और इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी इसमें हम लोग आज काम करने वाले हैं। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।